मुजफ्फरपुर में यहाँ बात करते हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में मुजफ्फरपुर भी हॉट सीट के नाम से जाना जाता है। इस हॉट सीट में कौन जीत की दावेदारी पेश करते हैं, आइए आम जनता से बात करते हैं कि क्या राय है इसके बारे में बताया जाए। डेंगू मलेरिया से लोग परेशान था, इसमें कहीं से कोई नहीं है। बताइए आप लोग सर, जब खुल के नहीं बोल रहे हैं बताइए। हाँ भैया आप बताओ, चुनावी सभा है, चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में आप किसे चाहते हैं, कौन यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में जीत की दावेदारी पेश कर रहा है? सर जितेंद्र चौधरी, उनके द्वारा क्या कार्य किया गया? जो प्रेजेंट में सिटिंग MLA है वह कुछ कार्य किए कि नहीं किए? सर पहले 5 साल तो किए, उसके बाद आवास मंत्री, विकास मंत्री बने, उसके बाद जनता से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है? चुनावी माहौल है, जनता को जो भी कहिए, कहने का मतलब है जितेंद्र चौधरी को एक बार अवश्य मौका दिया जाए। 15 साल रह चुके थे उससे जनता खुश है। विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा कोई कार्य किया गया है क्या? जी 15 साल पहले आप बैकग्राउंड जाके देखिए, गली गली सड़क दोनों तरह बना हुआ है, उनके द्वारा कार्य किया गया। 15 साल पहले बैठ जाइए सर। और यह कोरोना काल में जो सिटिंग MLA है उनके द्वारा कुछ छात्रों को जाना जाता है, सपोर्ट किया गया? कोरोना काल में यही सपोर्ट दिया गया है कि घर में लॉक रहो, बाहर निकलेगा तो जनता से मर खाएगा, ठीक है? विधायक जी के तरफ से कुछ नहीं? जी नहीं। और सुनिए, कहने का मतलब यह है कि जनता गरीब जो भी जनता है, गरीब जो भी है वो तो बहुत कमा के खाने वाला है। आज के दिन से लॉकडाउन में जो है सब्जी का ठेला हो, गाय बेचने वाला हो, जो रिक्शा चलाने वाला हो उसको मार के भगाया, ठीक है? उसके बाद वो जब नहीं कमाएगा तो खाएगा कहाँ से? कोई सरकार सोचा इसके विषय में? पैसा वाला लोग को कमा के खाने का जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में लोग किराया उठी ही रहा है, पैसा सैलरी तो क्या लग रहा है इस बार जीत की दावेदारी विजेंद्र चौधरी की तो है? ये एकदम कन्फर्म है। कितने मतों से आप जीत दिलाएंगे? मौतों से तो नहीं, हम उनको पर्सनल वोट देंगे और जनता उनसे खुश है। आप बताएं भैया ना, वो बोले यही वो बात मेरा जी है। इसी तरह वोट लेने के समय सारा जनता से मिलने का, हर गली हर कोना हर जगह देखा रहता है, मंत्री हो चाहे जो भी हो, ठीक है? और जब वोट का ये हो जाता है, जीत का माला पहन लिया जाता है, तो आप किसी कार्य के लिए जाइए, ठीक है? तो आपके नाम पता एड्रेस कहाँ के रहने वाले हैं और जिससे पहले जो है आप कौन है नहीं जानते हैं, तब आप आपकी का चलता है। कहने का मतलब है इस हिसाब में विजेंद्र चौधरी जी, विजेंद्र चौधरी को अगर कोई चीज़ के लिए इन्वाइट किया जाए तो वो कुछ देखा देखते नहीं है जात पात के लिए, एक कर इन्वाइट किए तो वो घर पहुँच जाते हैं, घर पहुँच खाना नहीं खाते, वही एक गिलास पानी उनके दरवाजा को पी लेते हैं और पीने के बाद में तो ऐसा नेता चाहिए कि और कैसा नेता चाहिए, नेता हो तो ऐसे। बीजेपी खराब पार्टी नहीं है, बीजेपी ऐसा पार्टी को देखने भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका कुछ नेता लोग जो है, अब हम गार्जियन, मेरा बाबू की गार्जियन है, वो हमको दिए 100 रुपया कि जाओ बेटा घर ले जाना, और 100 रुपया में हम रख लिए, घर पे जाएगा पैसा? वो सेंट्रल में मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं बीजेपी में, लेकिन यहाँ आपको विजय शर्मा विधायक जी हैं वो यहाँ के लिए कुछ कार्य नहीं है। बिजनेसमैन बिजनेस के ऊपर जो चलता है वो आप जनता गंदे रूप से आज 80 रुपये डीजल हो गया, वो 80 रुपये डीजल हो गया, खाने को लोग मौत आ गए, 10% को लोग रुपया ब्याज को लेता है, ब्याज बना दिया जाता है, चौथे पूछता है पैसा चाहिए,
उस आवास में जब इनकम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से देगा। लॉकडाउन में आप कहीं भी देखें कि गरीब खुशहाल रहा लॉकडाउन में, कहीं भी आप नौकरी करते हैं क्या कोई जबरदस्त सैलरी दिया किसी को? लॉकडाउन का कोई सैलरी नहीं आया कहाँ से? आप 10 किलो 3 यूनिट में आपने घोषणा किया कि कोरोना वायरस को देखते नजर देखते हुए जो है नया राशन कार्ड वितरण होगा। नया राशन कार्ड एक लहर था, जिसको मिल गया उसको मिल गया, जिसको नहीं मेरा राशन कार्ड बना हुआ मेरे अकाउंट में 1000 रुपया भी आया हमको, आज तक राशन कार्ड मिला। एक बात आप जान लीजिए, किसी पदाधिकारी के पास जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? अभी इलेक्शन का लहर है, आप किसी भी पदाधिकारी के पास जाने की सोचना नहीं है। जब वो बन जाते हैं उनके पास जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपका पहचान लड़ने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। कोई किसी का नहीं होता है, गरीब का कोई नहीं, ठीक है? गरीब पैसा चाहिए इसी तरह खबरों के साथ बने रही है राष्ट्र के न्यूज कुमार रोशन के साथ। और हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर में यहाँ बात करते हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी सभा है, और इस चुनावी सभा में मुजफ्फरपुर भी हॉट सीट के नाम से जाना जाता है। इस हॉट सीट में कौन जीत की दावेदारी पेश करते हैं, आइए आम जनता से बात करते हैं कि क्या राय है इसके बारे में बताया जाए। डेंगू मलेरिया से लोग परेशान था, इसमें कहीं से कोई नहीं है। बताइए आप लोग सर जब खुल के नहीं बोल रहे हैं बताइए। हाँ भैया आप बताओ, चुनावी सभा है, चुनावी माहौल है, और इस चुनावी माहौल में आप किसे चाहते हैं, कौन यहाँ प्रतिनिधि के रूप में जीत की दावेदारी पेश कर रहा है? उनके द्वारा क्या कार्य किया गया? जो प्रेजेंट में सिटिंग एमएलए है वो कुछ कार्य किए कि नहीं किए? सर पहले 5 साल तो किए, उसके बाद आवास मंत्री विकास मंत्री बने, उसके बाद जनता से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है? चुनावी माहौल है, जनता को जो भी कहिए, कहने का मतलब है विजेंद्र चौधरी को एक बार अवश्य मौका दिया जाए, 15 साल रह चुके थे उनसे जनता पूछ रहा। विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा कोई कार्य किया गया है क्या? जी 15 साल पहले आप बैकग्राउंड जाके देखिए, गली गली सड़क सड़क बना हुआ है, उनके द्वारा कार्य किया गया 15 साल पहले बैठ जाइए सर। और यह कोरोना काल में जो सिटिंग एमएलए हैं उनके द्वारा कुछ छात्रों को जाना जाता है, सपोर्ट किया गया? कोरोना काल में यही सपोर्ट दिया गया है कि घर में लॉक रहो, बाहर निकलेगा तो जनता से मर खाएगा, ठीक है? विधायक जी की तरफ से कुछ नहीं? जी नहीं। और सुनिए, कहने का मतलब यह है कि जनता गरीब जो भी जनता है, गरीब जो भी है वो तो बहुत कमा के खाने वाला है। आज के दिन में लॉकडाउन में है सब्जी का ठेला हो, गाय बेचने वाला हो, जो रोज रिक्शा चलाने वाला हो उसको मार के भगाया, ठीक है? उसके बाद वो जब नहीं कमाएगा तो खाएगा कहाँ से? कोई सरकार सोचा इसके विषय में? पैसा वाला लोग को कमा के खाने का जरूरत नहीं है, लॉकडाउन में लोग किराया उठी का है पैसा तो भी क्या लग रहा है इस बार जीत की दावेदारी विजेंद्र चौधरी की तो है? ये एकदम कन्फर्म है। कितने मतों से आप जीत दिलाएंगे? मौतों से तो नहीं, हम उनको प्रश्न वोट देंगे और जनता उनसे खुश है। आप बताएं भैया ना, वो बोले यही वो बात मेरा जी है। इसी तरह वोट लेने के सारा जनता से मिलने का हर गली हर कोना हर जगह देखा रहता है, मंत्री हो चाहे जो भी हो, ठीक है? और जब वोट का ये हो जाता है जीत का माला पहन लिया जाता है तो आप किसी कार्य के लिए जाइए, ठीक है? तो आपके नाम पता एड्रेस कहाँ के रहने वाले हैं और इससे पहले जो है आप कौन है नहीं जानते हैं, तब आप ही का चलता है। कहने का मतलब है इस हिसाब में विजेंद्र चौधरी जी विजेंद्र चौधरी को अगर कोई चीज़ के लिए इनवाइट किया जाए तो वो कुछ देखते नहीं है, जात पात के लिए एक कभी इन्वाइट किए तो वो घर पहुँच जाते हैं, घर पहुँच और खाना नहीं खाते, वही एक गिलास पानी उनके दरवाजा को छीन लेते हैं और पीने के बाद में तो कोई ऐसा नेता चाहिए कि और कैसा नेता चाहिए, नेता हो तो ऐसे। बीजेपी खराब पार्टी नहीं है, बीजेपी ऐसा पार्टी कोई देखने भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका कुछ नेता लोग जो है, अब हम गार्जियन मेरा बाबू की गार्जियन है, तो हमको दिए 100 रुपया
जाओ बेटा घर ले जाना, और 100 रुपया में हम रख लिए, घर पर जाएगा पैसा। वो सेंट्रल में मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं बीजेपी में, लेकिन यहाँ आपको सुरेश शर्मा विधायक जी हैं वो यहाँ के लिए कुछ कार्य नहीं है। बिजनेसमैन बिजनेस के ऊपर जो चलता है वो आम जनता गंदगी के ऊपर चला गया है। आज 80 रुपये डीजल हो गया, 80 रुपये डीजल हो गया, खाने खाने को लोग मौत आ गए। 10% को लोग रुपया की ब्याज पर लेता है, ब्याज बना भी आता है, चौहर से पूछता है पैसा चाहिए। उस आवास में जब इनकम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से देगा। लॉकडाउन में आप कहीं भी देखें कि गरीब खुशहाल रहा लॉकडाउन में? कहीं भी आप नौकरी करते हैं क्या कोई जबरदार सैलरी दिया किसी को? लॉकडाउन का कोई सैलरी नहीं खाया कहाँ से? आप 10 किलो 3 यूनिट में आपने घोषणा किया कि कोरोना वायरस को देखते नजर देखते हुए जो है नया राशन कार्ड वितरण होगा। नया राशन कार्ड एक लहर था, जिसको मिल गया उसको मिल गया, जिसको नहीं, मेरा राशन कार्ड बना हुआ मेरे अकाउंट में 1000 रुपया भी आया, हमको आज तक राशन कार्ड मिला। सर एक बात आप जान लीजिए, किसी पदाधिकारी के पास जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? अभी इलेक्शन का लहर है, आप किसी भी पदाधिकारी या किसी मंत्री के पास जाने की सोचना नहीं है। जब वो बन जाते हैं उनके पास जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपका पहचान के लिए आपको सोचना पड़ेगा। सर कोई किसी का नहीं होता है, गरीब का कोई नहीं, ठीक है? जल्दी पैसा चाहिए इसी तरह खबरों के साथ बने रही है राष्ट्र के न्यूज कुमार रोशन के साथ। चलिए नमस्कार, कुमार रोशन राष्ट्र के न्यूज, और अभी मैं आया हुआ हूँ मुजफ्फरपुर में, गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर के गांव। यहाँ चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में मुजफ्फरपुर की जो सीट है वो बहुत ही मानी जाती है, हॉट सीट कह जाती है। आइए यहाँ पब्लिकों से राय लेते हैं, यहाँ आप लोग अपना किसको उम्मीदवार देखना चाहते हैं। अब आप बात करते हैं कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर में दो हॉट सीट माना जाता है, यह मुजफ्फरपुर का हॉट सीट है, इसमें आप किसको अपना बहुमन वोट देंगे? उनके द्वारा क्या कर दिया गया 15 साल में? जितना विकास कर दिया उतना किसी विधायकों ने कभी नहीं किया। सिटिंग एमएलए जो है यहाँ उनके द्वारा क्या कर हुआ है? सिर्फ अपने पूंजी को बढ़ावा दिया गया है, आम पब्लिक सिटी से कोई जुड़ाव उनका नहीं। अपना परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद अली अकबर। अब हम और बात करते हैं, यहाँ पे और भी परिजन है, उनसे पूछते हैं कि आप अपना बहुमन वोट किसे देंगे? कौन है सिटिंग से जिनको आप देंगे नाम उनका? हम लोग को नहीं दिए हैं, उनका ट्रेन है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? मुंबई जा रहे हैं। ओके, वहीं वोट दें? वहाँ क्या है, वोट दे दिया आप? नहीं ना, वोट नहीं दिए। किसे आप चाहते हैं जीत? ठीक है, और गहमा गहमी है, चुनावी सभा है, अरे इधर चुनावी सभा है, चुनावी सभा में आम जनता की राय लेने में पता चलेगा कि यहाँ किसे यह चाहते हैं, किसे अपने बहुमत वोट या जीत दिलाना चाहते हैं। आम जनता से हम बात करेंगे।